ओ शिव जी भी हमें चले पाल की सजा दे, बाबू जी लगा दे पाल की सजा दे। पुत्र दक्ष, सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी सुजन को दक्ष प्रजापति शुभ हाथों से यह सौभाग्य सिंधु सती के मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप ही दे दीजिए। पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण दिया। हम अवश्य इस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दें। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अभी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। वजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था। तो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस युग के लिए रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों और पिशाचों से प्रेरित होकर तुम्हारे वेदों से मुक्त हो चुके हैं। और
देवताओं के द्वारा यज्ञ का कोई भी मान दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धिदास, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। इनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और किस पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है। जो सृष्टि के रचयिता है, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। इसीलिए शिव देश के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तुम्हें इस प्रकार कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दिया डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश ब्लॉक चलें। मेरे स्वामी कितने महान हैं। पिताश्री ने, पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना ना रहती, नहीं रहती मैं। मैं क्या करूं? सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहाँ हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु, मुझे तो अपने मात्र कहे जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बहने आई हैं तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है, आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो रही हूँ ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य नहीं है। वो अकुलीन, अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्लेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। पति, आज तक पछता रहे हैं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपवन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपके पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो। सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहाँ है। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला अघोरी, नंग धड़ंग अवधूत, आपने मुझे ना आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये ना सोचा
कि यदि मुझे पति के विषय में आप शब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। हमारी दुर्दशा, तुम अकेले लौट आए। देवी सती कहां है? देवी सती कहां है? देवी सती कहां है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। यह सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं, और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं। जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ, ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। हे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा, तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है। आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो, सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भव। जय महारुद्र। मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं हो सकती, वे परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु असंभव है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते, इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है,
मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है, और जैसे ही शिवजी की कृपा होगी भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ, ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवनदान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण, सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। धात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी, वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, वे शिव के समान शाश्वत है। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती है। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए, वो अब हमें सती रूप में नहीं शक्ति रूप में दर्शन देंगी। भावज वीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखे और देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमा कर प्रार्थना करें, तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार, भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। हे चराचर पति सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूं जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि, जो हुआ जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे, अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करें।
मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे दिया? क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का हमारा पक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा, अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ पर लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच कल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, अपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस सुखद के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया, अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना, तुम्हारा आराध्य, इष्ट, सभी कुछ है ना। मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मीठे सपनों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों, क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए? पति को नहीं, हम अपनी रुष्प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद, तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं खुश होती है? नारद, प्रभु देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है, मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु के आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आपने एक भी शब्द नहीं, यदि अब तुमने कुछ भी अगर कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। कृपा कटाक्ष घोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् पणामणि प्रभ कदम्ब कुंकुम द्रव प्रदीप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत् वसुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विदूसराधिपीठभु भुजंग राजमालय निबद्ध जात भूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर
ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचधायकम् नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि संपदे शिरोजतालमस्तु नः करालभालपट्टिका खगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीधिनी तम प्रबंध बद्ध गंधर निलिप्प निर्झरीधर स्तनोतु वृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियंज गद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिव प्रभ परंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदर स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अकल्प सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरातकम पुरातकम भवातकम मखातकम गजातकांतकांतकम तमंतकातकम भजे जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विहिङ्गमक्रमत्स्फुरत्करालहव्यवाहि विद्धि विद्धि मिध्वनमृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव शिवाय ओम नमः शिवाय माता सरस्वती नमः ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमो नमः एंकारि सृष्टि रूपाय एंकारि सृष्टि रूपाय लिंकारी प्रतिपालके लिंकारी प्रतिपालके लिंकारी काल रूपेणे लिंकारी काल रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते बीज रूपे नमोस्तुते हे माता शक्ति आप भगवान शिव शंकर की अभिन्न संगिनी हैं आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे शक्ति मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ और समय समय पर प्रकट होती रहती हूँ किंतु हे शक्ति हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप उन्हें कब अवतार लेंगे उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी कौन सा रूप लेंगे और उनका कैसा शुभ शुभ परिणाम घटेगा